सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, नोटिफिकेशन आता। हेलो रज़ाक भाई, ये गुलाबी लाना रखो, 4 बजे कांते वो बोलो। एक मिनट, ना हाय ना हेलो, ना खैर ना खैरियत, आते कि सवाल जवाब। मैं लंच करी नहीं करी ये भी नहीं पूछे आप मेरे को। भूख लगे तो खा ले, तू लल्लू पापा नहीं है तुम पूछने के वास्ते तुम्हारे को। तुम 4 बजे कहाँ थे? 4 बजे लोग कहाँ रहते? घर पे रहते, मैं घर पे थी। 4 बजे कहाँ थे, सही सही बोलो तुम। आई रजाक, मैं झूठ कह के बोलती हूँ, मैं घर पे थी। तुम झूठ बोल रहे हो, फिर मैं गुप्पर से भर के झूठ कह के बोलती हूँ घर पे थी। आई रजाक, मैं तुम्हारे को झूठ कह के बोलती हूँ, बोल रही हूँ ना मैं घर पे थी। 4 बजे हो गए तुम। 4 बजे कहाँ थे तुम? घर पे थी रजाक। कहाँ थे तुम 4 बजे? मैं बोल रही हूँ मैं घर पे थी। अच्छा अच्छा, तो घर पे क्या कर रहे थे तुम? वही जो रोज करते। क्या? बैठी हुई थी, इंस्टा पे रील्स बना रही थी और मम्मी चाय बना रहे थे। तो नेकलेस रोड पे वो कुत्ते के साथ कौन सी पट्टी गुलचर्रे उड़ा रही थी, फिर रही थी? एक मिनट, तुम्हारे को कैसा मालूम कि नेकलेस रोड पे मैं शाम को एक बच्चे के साथ घूम रही थी बोल के? नेटवर्क बोलते है उसको। सुने, मेरे जासूसा चारों तरफ फैले हुए, तुम्हारे एक एक कदम की इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलते रहती। सुनिए, इसके वास्ते मेरे सामने ज्यादा होशियारी नको दिखो। तुम 4 बजे वो पुट्टे के साथ पार्क में क्या कर रहे थे और वो मास्क का वाला कौन था? नहीं, मेरे को ये बोलो कि तुम्हारे को ये इन्फॉर्मेशन ना दे रहे कौन? वो कैसा भी मालूम हो जाता होगा। सुने, आसमान में उड़े से चुड़ी के परा गिर लेता मैं, तुम तो फिर भी जमीन पे फिर रहे, समझे? ये ज्यादा होशियारी और चालबाजी करने की जरूरत नहीं है। वो पुट्टे के साथ पार्क में 4 बजे क्या कर रहे थे तो तुम्हारे मेरे को झूठ कई को बोले? अरे मैं तुम्हारे से झूठ नहीं बोल रही हूँ। खैर, अब तुम्हारे मालूम हो ही गया तो। एक मिनट, मैं तुम्हारे को पूछा कि तुम शाम में 4 बजे कहाँ थे तो तुम क्या बोले? घर में थे बोले। अरे तो तुम ये पूछना था कि कौन सी शाम, आज की शाम, कल की शाम, आने वाली शाम, मेरे को क्या मालूम कौन सी शाम? मैं आज के 4 बजे बोला था। तो बेबी, मैं नोटिस नहीं करी होंगी। तुम नोटिस करते कब? हमेशा इग्नोर करते तुम। अच्छा जान दो, अब गुस्सा नको करो बेबी प्लीज।
मैं भी नक्को बोलो, हाथ नक्को लगाओ तुम, ये मेरे समझे? वो पट्टा कौन था मेरे को बोलो। अच्छा ठीक है, अब तुम्हारे मालूम हो ही गया, अब मेरा सच सामने आ ही गया और मैं रंगे हाथों पकड़ी भी गई, और ये जो तुम्हारे जासूसा है ये मेरा पर्दाफाश भी करती है, तो ठीक है अब मेरी जुबानी सुन लो। वो जो नौजवान लंबा चौड़ा हैंडसम बोला मैं। अरे तो मैं बोल रही हूँ। मगर मैं तो नहीं बोला ना। अरे बेबी मगर मैं बोल रही हूँ ना। देखो बाला छोटे करा के गिरगिट के साथ ठहराने से, लंबी दाढ़ी रखने से, ब्लैक टी शर्ट पे ब्राउन जैकेट पहनने से, ब्लू जींस पहन के ब्लैक जूता पहनते कि कोई भी हैंडसम नहीं बनता, हैंडसम पैदा होते, समझे? अरे उन्हें बिना दाढ़ी बनाए और बिना उस जैकेट के चप्पलों में भी अच्छे दिखते। अच्छा देख ले तुम, हर चीज से देख ले जैसा है उसको। हाँ वो तो मैं अच्छे से देख ही बोल के बोल रही हूँ ना। देखो ये बेकार के बात नको करो, तुम कौन था वो पोटा, इसकी माँ की जो जीता वो सिकंदर। अब मालूम हो ही गया ना, मैं साफ साफ बोल ही देती हूँ, उन्हो मेरे फ्यूचर हस्बैंड है। क्या बोले? फ्यूचर हस्बैंड। तो फिर मैं कौन हूँ? अरे बेबी आप मेरे प्रेजेंट हैं। देखो तुम पागल हो गए, अकल है तुम्हारे? एक हाथ छोड़ के मारा तो जमीन चाट के उठते तुम, ये बेकार। तुम्हारे अकल है? तुम्हारे सुन आ रहा तुम क्या बोल रहे हो? तुम मेरे से प्यार कर दे। तुम मेरे से प्यार कर दे। अरे बेबी हाँ। तो फिर उन्हें कैसा घुस गया थी अपने बीच में? देखो मैं बताती हूँ सबर। समझो। देखो अपन दोनों एक दूसरे को पसंद करते, अपन दोनों एक दूसरे को चाहते। हाँ लेकिन ये सब तो अपन दोनों सोच लिए ना बेबी, अपन दोनों की फैमिली तो नहीं सोची ना। देखो दीवाने बात दिमाग को फिर मेरा अभी बोल दे रहा हूँ, जो जो बोलना है साफ बोल दे के चल जाऊँ ऐसे तुम। अच्छा ठीक है अब मैं तुम्हारे को बोलती हूँ। देखो थोड़े दिन पहले हमारे घर रिश्ता आया था, ये क्यूट से हैंडसम से लड़के का, तो इसके वास्ते मैं पार्क में मिलने गई थी। देखो मगर तुम तो मेरे को नहीं बोले ना कि रिश्ता आया बोल के। मैं बोलने वाली थी। तुम हमेशा बोलने वाले रहते, हाँ मगर बोलते तो नहीं। तो अब बोल रही हूँ ना, अब बोले तो भी नहीं सुनते तुम, अब मैं कैसा बोलूँ? बोलो 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 सुनता हूँ बोलो। अच्छा तो ये हमारे पापा के दोस्त के बेटे हैं जो बहुत हैंडसम। हैंडसम देखो मेरे को तुम्हारे बाबा से कुछ भी लेना देना नहीं है, ना उनके दोस्त के हैंडसम बेटे से लेना देना नहीं है। मुद्दे की बात करो, तुम मुद्दे की बात करो, बात क्या हुई वो बोलो, वो पुट्टा कौन था? वॉइस तो बोल रही हूँ, तुम सुन रहे नहीं, बोले तो मालूम होता, तुम बीच बीच में ऑन रहे तो मैं कैसा बोलूं? तुम बार 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 हैंडसम कहीं को बोल रहे हो, उसको सीधा नहीं बोल सकते, पुट्टा कौन था वो बोलो, काम की बात करो तुम। मगर मैं तो नहीं देखा ना। अरे मगर मैं देखी बोल के बोल रही हूँ ना, बहुत क्यूट दिखते हो। क्यूट 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 उसकी माँ की। देखो पुट्टा कौन था वो बोलो, काम की बात करो तुम मेरे सामने। ओके इन्हों हमारे पापा के दोस्त के बेटे हैं, तो इन्हों बहुत हैंडसम है, पढ़े लिखे है, बड़ी गाड़ी है, घर है और ऑस्ट्रेलिया में जॉब भी है, और इतना ख्याल रखते है मेरा तो। तो क्या करेंगे, बड़ा दिल है, बड़ी गाड़ी है, तो क्या करेंगे हम? ठीक है बाबा वालों का काम ही जो रहता भाई, बच्ची जवान हुई तो शादी करके भिजाने का रहता, इतना ही रहता। तो इसलिए तो मैं मिलने गई थी। ओहो, अच्छा मिलने गए, शर्म है या नहीं सो? हाँ ये तरीका नहीं होता, ये तरीका नहीं होता। हाँ तरीका नहीं होता, इसलिए तो बिना बोले मिलने गई थी। अच्छा ठीक है गए मिल लिए, मना कर दे क्या है ना? नहीं। क्या? अच्छा, तुम ये बोलना चाह रहे कि तुम उसको नहीं बोल के मना कर दे के है, नहीं?
अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सज्जाकाल, वड़क्कम। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाई। और ये हमारे वीडियो के स्पॉन्सर है लेबनीज ग्रिल, लकड़ी का पुल, अपोजिट टू हैंदर शोरूम। तो आप लोग आइए, खाइए, बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। आप लोगों को दिख रहा होगा आखिरी लजीज है, मुँह में पानी आ रहा। आप लोग अभी आ सकते, फैमिली के साथ आ सकते, दोस्तों के साथ आ सकते, आके ज़बरदस्त इंजॉय कर सकते हैं फूड। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। और मैं इधर बहुत आते जाते रहता हूँ, अगर मुलाकात करना है तो आप लोग इधर आ सकते। ठीक है।